पर गिरेगा। रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। विकराला करे मुखमा शक्ति, भयभीता षठ देख विपत्ति। जिह्वा मुख से दीर्घ निकारी, रौद्र स्वरूपाति भयकारी। मायावी प्रतिरूप संहारा, पान करी सब रक्त की धारा। काल के गाल मह सबुह समाई, दुष्ट शतानन अब घबराई। ये क्या, मेरे प्रतिरूप कैसे नष्ट हो सकते हैं? असंभव है ये, असंभव। इस संसार में एक धर्म ही है जो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए धर्म और अधर्म के टकराव में अधर्म की समूल विनाश की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अधर्म और उसका स्रोत पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता। हमें नष्ट करोगी तुम, रक्त पियोगी हमारा, हम तुम्हारा वध करेंगे। ये नारी तो मेरी सेना को नष्ट कर रही है। इसके भय से तो मेरे अनुचर, मेरे प्रतिरूप पीछे हट रहे हैं। रुको, आक्रमण करो, नष्ट कर दो इसे। जाओ, कहां भाग रहे हो? रुको रुको। भोले बाबा के आदेशानुसार मुझे इन शतानंद रूपी राक्षसों को यहां से भागने नहीं देना चाहिए। दुष्टों, बहुत उत्पात मचा लिया तुमने, लो अब अपनी मृत्यु का सामना करो। इस प्रकार तो ये मेरी संपूर्ण सेना का नाश कर देगी। मुझे शीघ्र ही अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा। कौन रह गया है शेषाप, जिसका वध करे हम? हमारे क्रोध की अग्नि अभी तक शांत नहीं हुई है। आओ, आओ, दुष्टों! कहाँ भाग रहे हो दुष्टों?
जाकर माता के मुख में समाओ। मुझे अपने विकराल रूप से भयभीत करने वाले इस मायाविनी को अब ये शतानन अपना विकराल रूप दिखाएगा। नारी, मुझे तुझसे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये शतानन अभी भी एक विशाल सेना प्रस्तुत करने में सक्षम है। अपनी मृत्यु को अपने समक्ष देखकर बौखला उठा है शतानन। अपने ही विनाश को और भड़का रहा है ये दुष्ट। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं मायाविनी। अपने इस मायावी अस्त्र से मैं अंत करूंगा तुम्हारा। पल में इसने मेरा प्रहार रोक लिया। अंततः इस दुष्ट को भी अपने कुकर्मों का दंड मिल ही गया। बस अब इस अधर्मी का अंत होगा। Yeah.
शतानन के वध का अस्त्र माता को देने का समय आ गया है। सत्य कह रहे हो तुम? तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से नहीं हो सकती, ये ज्ञात है मुझे भी। इसलिए अब ये खड़क उन्हीं के हाथ में होगी जिनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी है। शतानन, प्रणाम माता। माता, ये इस दुष्ट के वध का अस्त्र है। लाई कपी पाताल से जोई, मृत्यु खड़क दी मात को सोई। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। ये गाथा भागवत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता, महाशक्ति धर्म की संहारक शक्ति है। अपने प्रहार से वो अब इस पापी का अंत करेंगी। तुम नहीं, मैं शतानन करूंगा तुम्हारा संहार। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। सदैव अधर्म का साथ देने वाले इस शतानन का भयंकर अंत तो होना ही था, परंतु इसकी मृत्यु का समय अब आया है। We'll be right back.
बाबा ने सत्य ही कहा था, मेरी प्रेममयी माता सीता ने ही महाशक्ति का ये रौद्र रूप धारण किया और इस दुष्ट का संहार करके इसके दुष्कर्मों का दंड दिया है इसे। जय हो महाशक्ति माता सीता की। देवी सीता की क्रोध की ज्वाला ने तो इस अधर्मी को तो भस्म कर दिया, किंतु मुझे यह भय है कि इनकी यह कोपाग्नि कहीं प्रचंड रूप ना ले ले। इनके क्रोध को शांत करना अब सहज नहीं होगा। उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है। दुष्ट शतानंद, प्रलयकारी तांडव मुद्रा। माता का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। माता का ये क्रोध कहीं महाविनाश न मचा दे। मुझे कुछ करना होगा माता को शांत करने के लिए। कारी तांडव से उत्पन्न तरंगे तो मुझे माता तक पहुंचने ही नहीं दे रही हैं।
क्या करूं? क्या करूं? मैं कैसे रोकूं माता को? माता, अपना यह भयानक रूप तजिए, दुष्ट शतानन आपके कोप की भेंट चढ़ चुका है। माता, अधर्म का नाश हो चुका है, आप अब शांत हो जाइए, अपना वही प्रेममयी वात्सल्य से परिपूर्ण रूप धारण कीजिए। माता, माता, आपके इस क्रोध की ज्वाला से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसे आप और मत बढ़ाइए। माता, शांति को धारण कीजिए। माता, ये जगत आपके ही संतान है, अपने भक्तों पर, अपने संतानों पर दया कीजिए। माता, क्रोध की अग्नि जब अपनी सीमा को पार कर जाती है तो उस पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा स्वयं को ही आहत कर सकता है।